हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज का लास्ट लेक्चर है। ओके, इसके जो पहला लेक्चर था इसके अंदर हमने देखा था स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट के बारे में कि रीहीटिंग जो है वो क्या होता है और कैसे किया जाता है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे रीजनरेशन इन सिंपल स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट, रीजनरेशन कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या स्टीम रेट जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, ठीक है। इन बातों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन इन सिंपल स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट। दोस्तों रीजनरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहां? गैस टर्बाइन पावर प्लांट में आ रहा है यार, बिल्कुल। तो वहां पर हमने रीजनरेशन जब पढ़ा था तो वहां पे हमने क्या देखा था, रीजनरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट ऑफ द सिस्टम। वेस्ट हीट को हम यूज करते हैं, रीजनरेशन उसे कहते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी हम वेस्ट हीट को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वहां पर कहां पर, इन गैस टर्बाइन पावर प्लांट हम रीजनरेशन कैसे करते थे, बाय एक्सचेंजिंग द हीट बिटवीन एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर एंड एग्जिट ऑफ द टर्बाइन इनसाइड अ हीट एक्सचेंजर कॉल्ड एज अ रीजनरेटर। आ रहा है ना? और रीजनरेशन करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता था, रीजनरेशन करने से हमें बेनिफिट मिलता था वेस्ट हीट ऑफ द साइकिल यूज होती थी, जिस वजह से हमें अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द कंबशन चैम्बर जो था वो रिड्यूस होता था और थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती थी। आ रहे ना? थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड, है ना। हीट सप्लाइड डिक्रीज होता था और आपका थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होता था। ये इफेक्ट हमें मिला था कहां पर, गैस टर्बाइन पावर प्लांट में। यहां पर देखेंगे हम रीजनरेशन कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सो एक बात आपको मैं बताऊं, यहां पे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं यहां पर, ठीक है ना, लेकिन रीजनरेशन करने का तरीका कुछ अलग है, रीजनरेशन करने का तरीका कुछ अलग है। ओके, और वो तरीका जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं यूज भी नहीं किया जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा पहले, बाद में मैं सारा का सारा आपको लिखवा के दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके, होप दोस्तों इसके पहले के लेक्चर आप लोगों ने सब अच्छे से देखे हैं और आपको समझ में आए हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा हम यहां पर ले लेते हैं, सपोज बॉयलर, ये है बॉयलर, राइट। बॉयलर में मतलब सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या होता है, पंप होता है ना, है ना, ये पंप है। पंप का एग्जिट कहां जाता है, बॉयलर में जाता है, राइट। और बॉयलर का एग्जिट कहां जाता है हमारा, बॉयलर का एग्जिट जाता है हमारा टर्बाइन के अंदर, ये है टर्बाइन, बराबर है, ठीक है। अब यहां पर बॉयलर का एग्जिट क्या होता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम, हम पहले देख चुके हैं। द एग्जिट ऑफ द बॉयलर इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम, जो कि कहां जाता है, टर्बाइन में जाता है, राइट, क्लियर है। तो दोस्तों यहां पर हम एक चीज अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1 kg ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर एंड एंटरिंग द टर्बाइन, ठीक है। कितना स्टीम यहां पर है, 1 kg, 1 kg ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम लीविंग द बॉयलर एंड एंटरिंग इन टू द टर्बाइन। अब टर्बाइन में प्रोसेस क्या होता है, एक्सपांशन फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर लो टेम्परेचर, दैट मीन्स कंडेंसर प्रेशर एंड कंडेंसर टेम्परेचर। यहां से निकलने के बाद हमारा स्टीम कहां जाता है, तो वो जाता है कंडेंसर के अंदर, कहां जाता है, कंडेंसर, राइट, ये हमारा है कंडेंसर, बराबर है ना। ओके ओके, सो यहां पर ये हमारा प्रोसेस होता है और कंडेंसर के बाद वापस कहां, पंप में। ये हमारी सिंपल साइकिल है, लेकिन हमें यहां पर देखना है क्या, रीजनरेशन, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं। तो हमने यहां पर अज्यूम किया है लेट 1 kg ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम लीविंग द बॉयलर एंटरिंग इन टू द टर्बाइन। इस 1 kg स्टीम को हम क्या कर रहे हैं, टर्बाइन के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं और इसमें से क्या ले रहे हैं, वर्क आउटपुट ले रहे हैं। लेकिन
हम यहां पर क्या करेंगे, इस स्टीम को पूरी 1 kg स्टीम को एक्सपांड नहीं करेंगे, पहले 1 kg स्टीम जो टर्बाइन में गई वो एक्सपांड होना स्टार्ट करेगी। अब उसको हम पूरी तरह से एक्सपांड नहीं करेंगे, एक इंटरमीडिएट पॉइंट पे उसको रोक देंगे। ठीक है, सपोज एक्सपांशन स्टार्ट हुआ यहां से और यहां तक उसको जाना है, तो हम उसको पूरी तरह से एक्सपांड यहां तक नहीं करेंगे, उसको एक इंटरमीडिएट पॉइंट पर रोक देंगे। उस इंटरमीडिएट पॉइंट को कहा जाता है ब्लीडिंग पॉइंट, ब्लीडिंग पॉइंट। ब्लीड मतलब क्या, निकालना। ठीक है, उस इंटरमीडिएट पॉइंट पे हम उस सिस्टम को रोक देंगे और उस इंटरमीडिएट पॉइंट पे, ब्लीडिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एमकेजी स्टीम को यहां से निकाल लेंगे। एमकेजी स्टीम। इस एमकेजी स्टीम को कहा जाता है लाइव स्टीम। क्या कहा जाता है इसको, लाइव मतलब जिंदा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये स्टीम पूरी तरह से एक्सपांड हुई है क्या, नहीं, इसके पास अभी भी प्रेशर और टेम्परेचर बाकी है। अब अगर हमने 1 kg में से एमकेजी स्टीम को निकाल लिया तो कितना स्टीम हमारे पास बचा, 1 minus mkg। तो उस 1 minus mkg स्टीम को हम आगे भेज देंगे, उसका फर्दर एक्सपांशन करेंगे फ्रॉम दिस ब्लीडिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर टू कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ गया, वापस बताता हूं। इनिशियली वी हैव 1 kg ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम गोइंग इनटू द टर्बाइन, जो टर्बाइन में जा रहा है। अब इस स्टीम को, 1 kg स्टीम को हम एक्सपांड कर रहे हैं फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टू सम इंटरमीडिएट प्रेशर एंड टेम्परेचर। दैट इंटरमीडिएट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, जहां पर उसे हम रोक देंगे। रोकने के बाद हम उसमें से आधा स्टीम मतलब एमकेजी स्टीम को निकाल लेंगे। इस एमकेजी स्टीम को कहा जाता है लाइव स्टीम, क्योंकि अभी भी इसके पास प्रेशर एंड टेम्परेचर है। एंड रिमेनिंग 1 minus mkg ऑफ स्टीम इज कंटिन्यू टू एक्सपांड फ्रॉम ब्लीडिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर टू द कंडेंसर प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। अब 1 minus mkg ऑफ स्टीम कंडेंसर में आया। अब हमें पता है कंडेंसर में प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, जहां पर ये 1 minus mkg ऑफ स्टीम जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर हमें करना क्या है, हमने ये जो एमकेजी ऑफ लाइव स्टीम को निकाला है, हम इसकी मदद से क्या करेंगे, हम इसकी मदद से इसको गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे। किसको हीट करेंगे हम यहाँ पे, जो ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडेंसर से निकल आया है, इसको 1 minus mkg इसको गर्म करेंगे, राइट। लेकिन दोस्तों यहां पर एक ट्विस्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा, क्या हम किसकी मदद से किसको हीट कर रहे हैं, हम लाइव स्टीम की मदद से, एमकेजी ऑफ स्टीम की मदद से, 1 minus mkg ऑफ जो सैचुरेटेड लिक्विड है जो कंडेंसर से निकल रहा है उसको हम हीट करना चाहते हैं, राइट। लेकिन यहां पर प्रोसेस क्या होना चाहिए, यहां पर प्रोसेस होना चाहिए मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोसेस सक्सेसफुल हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन है कि ये जो स्टीम है ना, स्टीम कौन सा, लाइव स्टीम, इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कैसे, तो यहां पर होना चाहिए लेटेंट हीट ट्रांसफर एंड सेंसिबल हीट ट्रांसफर दोनों। इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा मतलब क्या होगा, फेस चेंज, दिस स्टीम विल कन्वर्ट इन टू किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, ये स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट होगा और इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, ये प्रोसेस यहां पर होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया ना, ठीक है। सो यहां पर क्या होना, लेकिन एक चीज यहां पर है, अगर हम ये प्रोसेस चाहते हैं कि यहां पर इसका टेम्परेचर डिक्रीज ना हो, इसका लेटेंट हीट ट्रांसफर हो, ये इसका फेस चेंज हो, ये स्टीम से कन्वर्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, तो इसके लिए दोनों का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो लाइव स्टीम है, एमकेजी ऑफ लाइव स्टीम, इसका प्रेशर तो हाई है ना, है ना, इसको हमने इंटरमीडिएट पॉइंट पे निकाला है जहां पर एक्सपांशन अभी होना बाकी था, राइट। तो क्या करेंगे हम, फिर यहां पर एक पंप लगा देंगे, एक यहां पर हम पंप लगा देंगे, ये पंप नंबर 1, ठीक है, ये पंप नंबर 1 हम यहां पर लगा देंगे। ये पंप नंबर 1 क्या करेगा दोस्तों, ये पंप नंबर 1 जो है
दिस विल इंक्रीज द प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड 1 minus mkg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लीविंग द कंडेंसर फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू ब्लीडिंग प्रेशर समझ में आ गया ठीक है ये सैचुरेटेड लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज करेगा फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू द ब्लीडिंग प्रेशर अब हम क्या करेंगे फिर उसके बाद यहां पर एक डिवाइस होता है दोस्तों इस डिवाइस का नाम होता है FWH दैट इज फीड वाटर हीटर क्या है फीड वाटर हीटर नाम में से पता चलता है ओके इसको जो वाटर हम फीड करेंगे ये उसे हीट करने का काम करेगा अब इसको हम क्या फीड कर रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड फीड कर रहे हैं सैचुरेटेड लिक्विड इसको क्या सैचुरेटेड लिक्विड को हम क्या करेंगे यहाँ पे हीट करेंगे किसकी मदद से हीट करेंगे तो भाई ये जो लाइव स्टीम है इसकी मदद से हीट करेंगे है ना लाइव स्टीम की मदद से हीट करेंगे राइट तो यहां पर क्या होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके बाद ये वापस जाएगा पंप नंबर टू के अंदर जहां पर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा कहां से फ्रॉम ब्लीडिंग प्रेशर टू द बॉयलर प्रेशर ब्लीडिंग प्रेशर टू द बॉयलर प्रेशर ये हमारा यहां पे प्रोसेस होता है अब ये जो सैचुरेटेड लिक्विड कंडेंसर से आ रहा है उसको हम फीड वाटर हीटर के अंदर गर्म कर रहे हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं अगर उसका टेम्परेचर हम फीड वाटर हीटर के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं सो वी हैव टू सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ हीट इनसाइड द बॉयलर सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इनसाइड द बॉयलर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा और इस वजह से थर्मल इफिशियंसी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा दिस इज द सिंपल प्रोसेस राइट लेकिन दोस्तों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस देखिए पहली बात तो मैं आप लोगों को बताऊं ये जो हम लाइव स्टीम को निकाल रहे हैं ना बीच में से ये पॉसिबल ही नहीं होता है ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है कि आप टर्बाइन के प्रोसेस को रुकाओ और बीच में से स्टीम निकालो फिर क्यों पढ़ रहे हैं भाई पढ़ना है इसलिए पढ़ना है ठीक है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये प्रैक्टिकली जो हमने पढ़ा था ना गैस टर्बाइन पावर प्लांट में वही प्रोसेस यूज किया जाता है क्लियर समझ में आ गया तो इस तरह से किया जाता है आपका रीजनरेशन होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया कोई डाउट नहीं है ठीक है ओके फिर भी दोस्तों अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप फोन करके मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप पूछ लेना ठीक है मैं आप लोगों को वापस पूरा समझा दूंगा नहीं समझ में आया दूसरी दोबारा वीडियो देखिएगा ठीक है ना ओके सो यहां पर हम नंबरिंग कर लेते हैं हम यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग अलग करते हैं हम इसको पॉइंट वन मानते हैं पॉइंट वन राइट सो वन से लेकर एक्सपांशन हो रहा है ओके पॉइंट वन पे अंदर जाएगा और पॉइंट टू इसको मानते हैं पॉइंट टू पे हमने क्या किया कुछ स्टीम को निकाल लिया ओके एंड टू टू थ्री फिर क्या हुआ फर्दर एक्सपांशन तो ये क्या आपका पॉइंट थ्री है ये पॉइंट फोर थ्री टू फोर कंडेंसर फोर टू फाइव ये आपका पंप नंबर वन राइट फाइव टू सिक्स क्या है आपका फाइव टू सिक्स आपका है फीड वाटर हीटर एंड सिक्स टू सेवन क्या आपका सिक्स टू सेवन है आपका ये वाला सेकंड पंप एंड सेवन टू वन क्या आपका बॉयलर ठीक है दोस्तों तो आप लोग क्या करिए पहले ये डायग्राम निकाल लीजिए वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को निकाल लीजिए इसके बाद हम टीएस डायग्राम भी देख लेते हैं इसका और उसके बाद हम इसको पूरी तरह से लिख लेंगे ठीक है चलिए हो गया ठीक है चलिए सो अब हम क्या करते हैं इसका टीएस डायग्राम निकाल लेते हैं फटाफट से ठीक है दोस्तों तो अगर हम यहां पर बात करते हैं टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की राइट सिंपल सा है बहुत ही टीएस डायग्राम ठीक है ठीक है पॉइंट वन अब वन से लेकर ये चल रहे हैं हम ये यहां पर आए है ना पॉइंट वन क्या है आपका ये पॉइंट वन आपका है एग्जिट ऑफ बॉयलर और एंट्री ऑफ टर्बाइन वन टू टू हम एक्सपांशन करते हैं और इस पॉइंट टू पे यहां से वन से लेकर टू तक कितना स्टीम था हमारे पास वन से लेकर टू था हमारे पास वन केजी ऑफ स्टीम है ना यहां पर हमारे पास था वन केजी ऑफ स्टीम राइट लेकिन पॉइंट टू पे हमने क्या किया एमकेजी ऑफ स्टीम को निकाल लिया ये एमकेजी स्टीम हमने क्या किया निकाल लिया एंड रिमेनिंग 1 माइनस एमकेजी ऑफ स्टीम इज कंटिन्यू टू एक्सपांड फ्रॉम पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री तक उसका क्या हुआ एक्सपांशन हुआ ठीक है ये हमारा पॉइंट थ्री पे कहां जाएगा कंडेंसर में प्रोसेस क्या होगा आपका ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया यहां पर बराबर है ना और फोर टू फाइव क्या था आपका
कंप्रेशन इनसाइड द पंप, पहला पंप, पहले पंप का क्या काम था, टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड, 1 minus mkg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लीविंग द कंडेंसर फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू द ब्लीडिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। सो ये आपका पहला प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, हीटिंग होगा फीड वाटर में, किसका, 1 minus mkg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड का, किसकी मदद से, mkg ऑफ लाइव स्टीम की मदद से, ये हो गया आपका हीटिंग, ये हो गया आपका हीटिंग, 4 to 5 कंप्रेशन, 5 to 6 हीटिंग, देन अगेन सेकंड पंप, ये हो गया आपका सेकंड पंप, 6 to 7 ठीक है, पंप नंबर 2 वेयर द प्रेशर ऑफ 1 kg ऑफ, प्रेशर ऑफ 1 kg ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड इज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम, फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम ब्लीडिंग प्रेशर टू द बॉयलर प्रेशर, देन हीटिंग इनसाइड द बॉयलर, ये हीटिंग इनसाइड द बॉयलर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा है TS, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है, सिंपल सा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वापस बता देता हूं, 1 से लेकर 2 तक हमने एक्सपांशन किया, किसका, 1 kg ऑफ स्टीम लीविंग द बॉयलर इनसाइड अ टर्बाइन, देन 0.2 पे हमने mkg स्टीम को निकाल लिया, ब्लीड आउट कर दिया लाइव स्टीम, रिमेनिंग 1 minus mkg ऑफ स्टीम इज कंटिन्यू टू एक्सपांड इनसाइड अ टर्बाइन फ्रॉम 0.2 to 0.3, 0.3 इज द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन और एंट्री ऑफ द बॉयलर, यहां पर इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन 4 to 5 क्या आपका पंप नंबर 1, ये आपका पंप नंबर 1, ओके, और ये आपका पंप नंबर 2, ठीक है। पंप 1 का क्या काम है, 2 का क्या काम है, मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करके इस डायग्राम को निकाल लीजिए, ओके, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, राइट, चलिए स्टार्ट करिए, ओके, राइट ऑन, लेट लेट 1 kg ऑफ, लेट 1 kg ऑफ, 1 kg ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम, लेट 1 kg ऑफ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम Leaving the boiler and entering into the turbine, leaving the boiler and entering into the turbine, entering into the turbine, where it is expanded, where it is expanded from higher pressure and temperature to, from higher pressure and temperature to some intermediate pressure and temperature, some intermediate pressure and temperature. Called as bleeding pressure and temperature, called as bleeding pressure and temperature, where mkg of live steam, where mkg of live steam is bleed out from the turbine, is bleed out from the turbine. And remaining 1 minus mkg of steam, and remaining 1 minus mkg of steam is continuous to expand from bleeding pressure and temperature to condenser pressure and temperature. Condenser pressure and temperature. Next paragraph. Next. Then this 1 minus mkg of steam. This 1 minus mkg of steam leaving the turbine. Entering into condenser. Leaving the turbine. Entering into condenser. Condenser where it is converted into saturated liquid, where it is converted into saturated liquid, comma, now
Now, the pressure of this, the pressure of this 1 minus mkg saturated liquid is increased with the help of pump number 1. From condenser pressure to the bleeding pressure, comma, next paragraph likhiye. Now this 1 minus mkg of saturated liquid, is heated inside the feed water heater with the help of the mkg of live steam due to which its temperature increases. Hence we have to supply less amount of heat inside the boiler. ठीक है, समझ में दोस्तों, क्लियर है? तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस था. ओके, नीचे लिखिए इफेक्ट्स ऑफ रीजनरेशन. नंबर वन, पहला, the amount of heat supplied inside the boiler per kg of steam decreases. Second, thermal efficiency of the cycle increases. Third, there will be no effect on net work output of the cycle. Or sometimes net work output of the cycle decreases marginally. ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा रीजनरेशन. रीजनरेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये चीज हमने यहां पर देखी. ओके, इसका लाइन डायग्राम क्या है या टीएस डायग्राम क्या है, ये भी हमने यहां पर देखा. होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया दोस्तों. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, राइट? यहां पर इसे स्टीम फ्लो रेट भी कहा जाता है, स्टीम रेट भी कहा जाता है. ओके, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या इसे कहा जाता है स्टीम रेट. ओके, ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक है. यहां पर हमारा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, सो पहले तो आप हेडिंग दे दीजिए, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या स्टीम रेट क्या होता है, देखते हैं. बहुत ही सिंपल सा है. ओके, सबसे पहले डेफिनेशन बता देता हूं. डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर इन केजी पर हवर टू प्रोड्यूस 1 kilowatt ऑफ पावर आउटपुट. ठीक है, टू प्रोड्यूस 1 kilowatt ऑफ पावर आउटपुट. समझ में आ गया? ओके, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, राइट? पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं. राइट ऑन, लिख लीजिए. राइट ऑन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. राइट ऑन, इट इज डिफाइंड एज
the amount of steam require, the amount of steam require in kg per hour, the amount of steam require in kg per hour, to produce 1 kilowatt of power output, ठीक है, ओके. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होता है? दिस स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज इक्वल टू स्टीम फ्लो, ओके, अपॉन वर्क आउटपुट, नेट वर्क आउटपुट. ठीक है दोस्तों, स्टीम फ्लो किसमें? केजी पर हवर में, और वर्क आउटपुट किसमें? किलोवाट में, राइट. तो इसमें से अगर हम देखते हैं तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का यूनिट क्या होगा दोस्तों? तो इसका यूनिट होगा केजी पर किलोवाट हवर. ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका यूनिट क्या है? केजी पर किलोवाट हवर. ठीक है, ओके. अब ये होता क्या है? तो सिंपल सा है ना दोस्तों, कि अगर मुझे 1 kilowatt का पावर आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा, एक घंटे में कितना स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा, किसको? टर्बाइन को. दैट इज नथिंग बट अवर स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन. एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं, राइट. ठीक है, सपोज हमारा स्टीम फ्लो जो है, स्टीम फ्लो वो कितना है? 100 tons पर हावर. ओके, और हमारा पावर आउटपुट कितना है? सपोज 10 megawatt है, 10 megawatt, राइट. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ओके. तो यहां पर क्या आएगा? स्टीम फ्लो कितना है? 100 tons. अब टन्स को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किसमें? आपका केजी में. तो क्या होगा आपका? 100 × 10³ केजी पर हावर. ये कितना है? मेगावाट. यहां पर क्या है? किलोवाट. ओके, अगेन कन्वर्ट इंटू द किलोवाट, 10 × 10³, ये 100. ओके, सो यहां पर क्या होगा? कैंसल 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 कैंसल, बचेगा क्या आंसर? कितना है हमारा? 10 केजी पर किलोवाट हावर. मतलब मुझे अगर 1 kilowatt का पावर आउटपुट चाहिए इन 1 hour, तो मुझे टर्बाइन को कितना स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा? 10 केजी स्टीम आई हैव टू सप्लाई टू प्रोड्यूस 1 kilowatt ऑफ पावर आउटपुट इन 1 hour. दिस इज अवर स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन सिंपली. ठीक है दोस्तों, क्लियर है. अब यहां पर अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले को, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां पर क्या होगा? देखिए, नेटवर्क आउटपुट क्या होता है हमारा? वर्क ऑफ टर्बाइन माइनस वर्क ऑफ पंप. और यहां पर क्या आएगा आपका? 3600. ये इसका एक फॉर्मूला भी है, ओके. ये क्या आपका? स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का. यूनिट सेम रहेगा, केजी पर किलोवाट हवर. ये 3600 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? सेकेंड को हवर में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है दोस्तों, यहां पर अपॉन में हवर है ना, इसलिए 3600 से मल्टीप्लाई किया. क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. ओके, अब दोस्तों एक बात देखिए, अगर स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन की बात करता हूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू नेट, है ना. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू नेट. मतलब स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, जितना हाई होगा, नेटवर्क आउटपुट उतना ही क्या होगा? कम होगा. ओके, एंड नेटवर्क आउटपुट क्या होता है आपका? थर्मल इफिशियंसी क्या होता है? डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड. तो अगर आपका नेटवर्क आउटपुट लो है तो थर्मल इफिशियंसी भी क्या होगा आपका? लो होगा. समझ में आया ना? दैट मींस यहां पर आपका स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, नेटवर्क आउटपुट उतना ही कम होगा, एंड थर्मल इफिशियंसी भी उतना ही क्या होगा आपका? कम होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द नेटवर्क आउटपुट एंड थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, राइट. एंड नेटवर्क आउटपुट अगर मैं बढ़ाना है तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? मैं डिक्रीज करना पड़ेगा. आया समझ में? ओके, और ये जितना ज्यादा, ओके, उतना ही साइज ऑफ पावर प्लांट भी उतना ही क्या होगा? बड़ा होगा, राइट. तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज ऑल्सो इंडिकेट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द पावर प्लांट, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा अगर हमारा, उतना ही पावर प्लांट भी हमें बड़ा लगेगा ना, टर्बाइन बड़ा लगेगा ना. समझ में आ गया? सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द पावर प्लांट. स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कितना है उसके ऊपर पावर प्लांट का साइज भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है.
समझ में आ गया दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको सही लगे, ठीक है, ओके, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया इतना, ठीक है ना। सो ये था हमारा स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या स्टीम रेट। तो यहां पर हमने थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरह से फिनिश किया दोस्तों। हो सकता है कुछ एक दूसरा टॉपिक हमारा रह गया हो, नहीं पढ़ाया हो, लेकिन वो टॉपिक्स आप लोगों को कवर करना है एमसीक्यू के जरिए। बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करने हैं। मैं तो यहाँ पर लिमिटेड एमसीक्यू सॉल्व करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा लेक्चर उतने ज़्यादा बनेंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा। कंपेरेटिवली आप क्या करिए, इससे अच्छा तो बुक्स लीजिए और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो नोट्स निकालिए, उसमें से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, गूगल से पढ़िए, है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कुछ एमसीक्यू तो हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ गुड स्टीम पावर प्लांट मे बी इन द रेंज ऑफ, मे बी इन द रेंज ऑफ। दोस्तों जब थर्मोडायनेमिक्स का पहला ही लेक्चर पढ़ाया था मैंने, उसी समय मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पावर प्लांट दो प्रकार के, एक थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हाइड्रोलिक पावर प्लांट। द मैक्सिमम द मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज 90%, व्हाइल द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज 35-40% और 35-45%, ठीक है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन एफिशिएंसी और रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट improves in summer as compared to that of winter, improves in winter as compared to that of summer, is unaffected by the climate condition, none of the above। देखिए दोस्तों none of the above नहीं आएगा। अगर none of the above नहीं आएगा तो ये तो ऑप्शन सेम है दोनों, is unaffected by the climatic condition, दोनों सेम हो गए ना ऑप्शन, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ तो ए आएगा या तो बी आएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं समर के, तो समर में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारा जो सिस्टम है, सपोज टर्बाइन है, टर्बाइन में क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों इफिशियंसी डिपेंड करता है किसके ऊपर, जितना ज्यादा वर्कआउटपुट उतना ज्यादा इफिशियंसी, और वर्कआउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपांशन के ऊपर। जितना ज्यादा एक्सपांशन होगा फ्रॉम टर्बाइन टू कंडेंसर के बीच में, जितना ज्यादा एक्सपांशन होगा उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा हमें, वर्कआउटपुट, सही बात है ना। अब अगर हम एक्सपांशन की बात करते हैं तो एक्सपांशन डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, एक्सपांशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, क्लियर। तो अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, तो टर्बाइन का टेम्परेचर जितना, मतलब इसका टेम्परेचर जो आपका सिस्टम का जितना लो होगा एक्सपांशन हमें उतना ही ज्यादा मिलेगा, है ना। जितना लो टेम्परेचर हमें होगा सिस्टम का, उतना ही हमारा एक्सपांशन क्या होगा, ज्यादा होगा, बरोबर है कि नहीं। तो यहां पर आप सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कब लो होगा, विंटर में लो होगा, समर में होगा क्या, नहीं, तो क्या होगा, इंप्रूव्स इन विंटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ समर। सो राइट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन इज गिवन बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट, चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज ऑफ एंट्रोपी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। देखिए दोस्तों वर्क आउटपुट दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेनली विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी, चेंज ऑफ एंथैल्पी एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर कहां पर होता है, जहां पर सेंसिबल हीट ट्रांसफर होता है, फेस चेंज नहीं होता है, जैसे कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट की, तो यहां पर आपका फेस चेंज होता है। सो इफ देयर इज अ फेस चेंज, सो वी विल रिप्रेजेंट द वर्क आउटपुट विद द हेल्प ऑफ द एंथैल्पी। लेटेंट हीट ट्रांसफर हम किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी की मदद से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, चेंज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, रीजनरेटिव साइकिल थर्मल इफिशियंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिंपल रैंकाइन, थर्मल इफिशियंसी इज ग्रेटर देन। देखिए रीजनरेशन अगर हम कर रहे हैं, रीजनरेशन मतलब क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट ऑफ द साइकिल, और अगर हम रीजनरेशन कर रहे हैं तो एफिशियंसी तो इंप्रूव होगा ना भाई, रीजनरेशन फिर क्यों कर रहे हैं नहीं तो। तो सिंपल सा यहां पे क्या आएगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल रैंकाइन थर्मल इफिशियंसी, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। सो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय मतलब कौन सा वाटर, फीड वाटर मतलब कौन सा वाटर, जो वाटर आपका कंडेंसर से निकल के कहां जा रहा है, आपका फीड वाटर के अंदर जा रहा है, फीड वाटर हीटर के अंदर जा रहा है, इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ द लाइव स्टीम
ब्लीडेड आउट फ्रॉम द टर्बाइन, एग्जॉस्ट गैसेस नहीं आएगा, हीटर्स नहीं आएगा, ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन. बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट. स्टीम पावर प्लांट किसके ऊपर काम करते हैं, कौन से साइकिल के ऊपर, अरे पता है आप लोगों को कौन सी साइकिल, रैंकाइन साइकिल. सिंपल सा है, रैंकाइन साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीहीटर इन स्टीम पावर प्लांट. रीहीटिंग हम करते हैं ना, मतलब क्या, दो टर्बाइन लगाते हैं, बराबर है, तो रीहीटिंग करने से क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजेस थर्मल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट. गलत है भाई, रीहीटिंग करने से समटाइम थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज होता है, समटाइम डिक्रीज होता है. ठीक है, ओके, और वो भी मार्जिनली, तो उसको हम काउंट भी नहीं करते, तो पहला तो गलत है. ऑलवेज इंक्रीजेस द ड्राइनेस फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है. रीहीटिंग करने का जो मेन पर्पस होता है स्टीम टर्बाइन पावर प्लांट, वो क्या होता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम. बिल्कुल सही दोस्तों, तो क्यू वाला सही है, क्यू सही है. ये नहीं आएगा भाई. ये देखिए यहां पर क्यू नहीं है, यहां पर क्यू है, लेकिन पी तो गलत है ना, है ना, तो ये भी नहीं आएगा. तो ऑप्शन सीधा सीधा क्या आ गया, बी आ गया. फिर भी चेक कर लेते हैं. ऑलवेज इंक्रीजेस द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ओके. उसके बाद ऑलवेज इंक्रीजेस स्पेसिफिक वर्क आउटपुट. स्पेसिफिक वर्क आउटपुट हमेशा इंक्रीज होता है. दो टर्बाइन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम दो टर्बाइन यूज करते हैं. तो राइट आंसर आएगा हमारे का क्यू एंड एस, दैट इज ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर. ऑप्शन बी, ओके, एक और ये दो. ठीक है दोस्तों, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट, असर्शन इन दिस थिंग, इन अ पावर प्लांट वर्किंग ऑन अ रैंकाइन साइकिल द रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग इंप्रूव द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द स्टीम टर्बाइन. इन अ पावर प्लांट वर्किंग ऑन अ रैंकाइन साइकिल रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग इंप्रूव द इफिशियंसी ऑफ द स्टीम टर्बाइन. बिल्कुल सही है, रीजनरेशन कर रहे हैं, फीड वाटर हीटिंग कर रहे हैं, थर्मल इफिशियंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंप्रूव होगा. द रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग रेजेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन द रैंकाइन साइकिल. नहीं भाई, ओके, ये आपका गलत है. द रीजनरेटिव फीड वाटर हीटिंग रेजेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, नहीं, ओके, रीजनरेशन, ओके, जो है एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज नहीं करती है, बरोबर है ना. अगर हम बात करते हैं एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये कहां इंक्रीज होता है, तो ये आपका रीहीटिंग में इंक्रीज होता है, जहां पर हम रीहीटिंग करते हैं, राइट. यहां पर तो हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कहां पर, फीड वाटर के अंदर. मेनली टेम्परेचर कहां इंक्रीज होता है, बॉयलर के अंदर इंक्रीज होता है. तो यहां पे आपका ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, ये गलत है. आपका आंसर क्या आएगा, सी, बोथ, नहीं, यहां पे थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, बोथ एंड आर ट्रू एंड इज नॉट. ठीक है, यहां पे आपका आंसर आएगा सी एक्चुअली. और मतलब सी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए यहां पे, कि आपका जो है असर्शन वाला स्टेटमेंट राइट है, रीजन वाला स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है, ये आपका आंसर होगा. यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं, ओके. सी ऑप्शन यूजुअली क्या होता है आपका, ओके, असर्शन स्टेटमेंट इज राइट एंड रीजन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है ना, आप लोगों को पता है, ओके. और डी क्या होता है, कि असर्शन स्टेटमेंट ही क्या है हमारा गलत है, तब डी होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इज एक्सप्रेस्ड इन, एक्सप्रेस्ड इन उसका यूनिट क्या होता है. सिंपल आप लोगों को पता है स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन यूनिट क्या होता है आपका, क्या होता है, अभी अभी पढ़ा ना हमने, केजी पर किलोवाट हवर, केजी पर किलोवाट हवर. ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए. तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन दोस्तों, हमने यहाँ पर सॉल्व किए. होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए, लेक्चर पूरा आप लोगों को समझ में आया. फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा आप पूछिए. थर्मोडायनेमिक्स ये यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है. नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड की है, ओके. पूरे सारे लेक्चर्स पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज अपियर करिए. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.